सो फ्रेंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ व्यापम से पीएससी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 100 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास रहेगी छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी हिंदी, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ व्याकरण से बिल्कुल नए हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके पीएससी व्यापम में पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 100 एमसीक्यू करने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पार्ट वन वीडियो है और ये प्रैक्टिस सेट थ्री है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट थ्री है, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, व्यापम जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे आप पीएससी की तैयारी करें, व्यापम की तैयारी करें। ठीक है, 12 फरवरी को पीएससी प्री एग्ज़ाम का पेपर है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा, मुहावरा, हिंदी, व्याकरण से। तो पहला प्रश्न आपके सामने, छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा संस्कृति का प्रभाव है, उड़िया। ठीक है, टोटल 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग लिखिए। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ का पुल्लिंग है तो उसका स्त्री रूप आपका होगा बघनी। क्या आएगा? बघनी आपका पीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैं टोटल 100 एमसीक्यू कराने वाला हूँ। ठीक है, कितने टोटल 100 एमसीक्यू आज की क्लास रात 8:30 बजे। ठीक है, रात कितने बजे? 8:30 बजे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से ये कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। ठीक है, ये आपका मुहावरा, ठीक है, मुहावरा है ना, और ये आपका कहावतें, लोकोक्ति, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ से, हिंदी व्याकरण से, छत्तीसगढ़ी भाषा से, बोली से, जितने भी प्रश्न हैं आज की क्लास करने वाले हैं। देखिए अब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से व्यापम और पीएससी में पूछे गए प्रश्न। चलिए अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पनही का अर्थ क्या होता है? 2016 में पूछा गया है पनही का अर्थ होता है आपका सी, यानी कि जूता। ठीक है, आप देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं जितने भी आपका व्यापम ही आया हुआ है, व्यापम पीएससी में से, जीपीएससी प्रीमिंस 12 फरवरी को जिसका एग्ज़ाम है वो लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दें। साथ ही व्यापम में हॉस्टल वार्डन, एसआई भर्ती, एडीओ, जितनी भी परीक्षाएँ होती है उसके लिए बेस्ट क्लास है। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है आपका क्या क्या है, बोली। ठीक है, आपका क्या है? बोली, भाषा, व्याकरण, हिंदी, जितने भी व्याकरण हिंदी से पूछे गए हैं, भाषा, बोलियां, मुहावरा, लोकोक्तियां, सभी के सभी क्वेश्चन देखेंगे। रोमांचित होना छत्तीसगढ़ी के लिए शब्द है, रोमांचित होना छत्तीसगढ़ी शब्द क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, गुर्राना, गुरमेटना, गुर्राना या फिर गुंगवाना, क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए रोमांचित होना का मतलब होता है यहाँ पर, देखिए रोमांचित होना का मतलब होता है इसमें का सी, गुरगुराना। ठीक है, क्या आएगा? गुरगुराना। बिल्कुल ये जितने भी क्वेश्चन हैं व्यापम और पीएससी का ही है, बिल्कुल सही है। सी जी पी एस सी मीनिंग देखिए 2014 में आया था। रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द गुरगुराना होता है। अब देखिए हाथी का स्त्रीलिंग होगा, ये जो हाथी है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? व्यापम क्षेत्र रक्षा 2021 और सी जी पी एस सी 2014 में आया हुआ है। मैं आप सभी को टोटल 100 एम सी क्यू कराऊंगा जिसमें से आपका पी एस सी और व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथनी। ठीक है, क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, इसका क्या आएगा? दिखे ऑप्शन दे चुका हूँ, हाथी, हथनी, हथनीन या हथनी या हाथी, क्या आएगा आंसर? सी, हथनीन। मैं आप सभी को पहले ही बताया हूँ हाथी का जो स्त्रीलिंग होता है हथनीन होगा। हाथी का क्वेश्चन क्या आएगा? अतनीन। पर्यायिन का पुल्लिंग शब्द क्या है? देखिए आपका व्यापम 16 में पूछा गया है, किसमें? 16 में। पर्यायिन का पुल्लिंग होता है पांडवा, पंडवा या पड़िया, ये क्या आएगा? पंडा। इसका क्या आएगा आंसर? पांडे। क्या आएगा जल्दी से बताइएगा? ई, पांडे, पांडे होगा, पांडे। ठीक है, चलिए यह पर्यायन का पुल्लिंग शब्द पांडे होता है। अंग्रह बरसना मुहावरे का अर्थ है, यह भी पीएससी में पूछा गया है जल्दी से बताइएगा। अंग्रह बरसना, अंग्रह बरसना ये पीएससी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अंग्रह बरसना का मतलब होता है अब्बड़ गुस्सा करना, अब्बड़ वर्षा होना, आगे बरसना, आगे के वर्षा होना, क्या आएगा जल्दी से बताइएगा इसका, या अब्बड़ घाम करना, तो इसका मतलब होता है अब्बड़ घाम करना। ठीक है, अंग्रह बरसना का मतलब होता है अब्बड़ घाम करना, आंसर ई। और बहुत लोगों 90% लोगों का आंसर ई आया है, अब्बड़ घाम करना। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर लज्जित होना का मुहावरा क्या है, आपका पीएससी प्री एग्जाम में आया हुआ था और व्यापम में भी पूछा गया था। ये आपका किसमें पूछा गया था, लेबर इंस्पेक्टर में, ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया था लज्जित होना। और ये व्यापम के वन क्षेत्रपाल में भी पूछा गया है, हाल ही में आया हुआ था, ठीक है। क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा होता है आपका, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा, मुड़ी ठठाना, मुड़ी पटकाना, मुड़ी गड़ियाना, या फिर ऑप्शन डी है मुड़ी खजवाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मुड़ी गड़ियाना, ठीक है। लज्जित होने का मतलब होता है मुड़ी गड़ियाना, देख सकते हैं यहाँ पर लज्जित होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा होता है मुड़ी गड़ियाना, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ी मुहावरा में कथड़ी ओढ़े घी खाए के क्या अर्थ होता है, ये इंजीनियरिंग में आया हुआ है, CGPA से पूछा गया, व्यापम का हाल ही एग्जाम हुआ है 2019 में, उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथड़ी ओढ़े घी खाए, इसका अर्थ होता है कथड़ी ओढ़ना, घी खाना, संपन्नता छिपाना, या फिर कंजूस, तो इसका मतलब होता है संपन्नता को छिपाना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चाउंड छींचना मुहावरे का अर्थ होता है आपका जादू करना, क्या आएगा, जादू करना, ठीक है। टोटल 100 MCQ करेंगे तो वो जल्दी फटाफट करते हैं, ठीक है। चाउंड छींचना का मतलब होता है जादू टोना करना, ठीक है। छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार कौन है, हरि ठाकुर, जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या आएगा, है ना। छत्तीसगढ़ी में कठियाना शब्द कौन सा तद्धित प्रयोग है, ये आपको हिंदी से स्थान आ गया, ठीक है। अब हिंदी से क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति मोहरा बोली जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं व्यापम PSC का ही है। कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित है, याना ना आना, क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, याना कठियाना ई आना तद्धित शब्द, तद्धित ई आना आएगा। अब छत्तीसगढ़ी के उपन्यास काका के घर के लेखक कौन है, रामनाथ साहू जी हैं, कौन है, रामनाथ साहू, छत्तीसगढ़ी उपन्यास में काका के घर के लेखक। अब इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर हथफोड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द में कौन सा होगा, हथफोड़वा का मतलब होता है चावल का एक व्यंजन, आपको PSC एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, PSC में पूछा गया है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलभाषण में किसने कथा है, फूलभाषण में आपका हो जाएगा सीता और लक्ष्मण की, क्या जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है छत्तीसगढ़ी शब्द में खास का हिंदी अनुवाद होता है विशिष्ट, खास का विशिष्ट, ठीक है। अब हिंदी शब्द में संयोजक का अर्थ यानी कि छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होगा जोरैया, क्या होगा, जोरैया, ठीक है। टोटल 100 MCQ करेंगे, फटाफट करते जाइएगा क्लास, ये जितने भी प्रश्न हैं PSC और व्यापम का है, हो ओके। देखिए छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब से माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप आपका 1703 से माना जाता है, कितने, 1703 से आपका माना जाता है PSC व्यापम। एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्या पता ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, PSC व्यापम में, हाँ बिल्कुल। अगर जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से जाइएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही PSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, शेयर कर सकते हैं या फिर डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है, कभी एग्जाम दिलाने से पहले एक बार देख लीजिएगा। घोड़ा के लिए एक शब्द में होता है, घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होता है, क्या होगा, घोड़वा, घोड़ा, घोड़ा या घोड़ा, क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, घोड़वा। चलिए घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होता है घोड़वा। होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या आएगा, होशियार के लिए होशियार, होशियार, होशियार या हशियार, क्या आएगा, होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होता है आपका बी, ठीक है, आंसर होगा। देखिए होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होशियार होगा, होशियार, ठीक है, होशियार के लिए। देखिए हिंदी में बहुत लोगों का गलत होता है, ठीक है, हिंदी में सभी लोगों का मिस्टेक होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जंतर का अर्थ क्या होता है, जंतर का अर्थ होता है आपका जादू, जंतर का मतलब होता है जादू, ठीक है, यंत्र, ठीक है, ये इसका आंसर होगा यंत्र। कोष शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है, तो कोष शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है, कोसे का कपड़ा, कांस का बर्तन, परिभाषिक शब्दों का ग्रंथ, या दूरी की माप, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर डी होगा, दूरी की माप। अब देखते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अब छत्तीसगढ़ी शब्द तीतरा का निम्नलिखित क्या होता है, तीतरा का मतलब होता है
तीन नदियों के मिलने का स्थान या तीन लड़कियों के बाद के जन्म पुत्र, तीन रास्तों का उद्गम स्थल या तीन गांवों की पंचायत। जो तीतरा होता है ये आपका तीन लड़कियों के बाद जन्म पुत्र आएगा, ठीक है, आंसर बी होगा। हाँ, ये सब व्यापम पीएससी का है। छत्तीसगढ़ी भाषा में कुसियार का मतलब होता है क्या हो, कुसियार का मतलब गन्ना होता है, सभी को मालूम है। और देखिए, हाँ, पीएससी व्यापम का ही क्वेश्चन है। सबसे बड़े मेंढक को क्या कहा जाता है, सबसे बड़े मेंढक को भिंडोल, बगिया, बगबा या मैचका, क्या कहा जाता है, भिंडोल कहा जाता है, आंसर ए होगा, ठीक है। अब हाँ, ये पीएससी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ए यार, क्या बोलते हैं, क्या राहुल, आप सभी को मैं पहले बता ही चुका हूँ पीएससी और व्यापम का क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। मैं कोई ऐसे एसएससी वगैरह दुनिया भर का क्वेश्चन नहीं लाता, मैं जो व्यापम में पीएससी में पूछा गया वही क्वेश्चन लाता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चुप रहिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बीच में कमेंट ना करें तो ही अच्छा होगा, वरना आपको रिमूव कर लूँगा, ठीक है। बार बार कमेंट नहीं करना है, जो पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। खटमल क्यों को क्या जाता है, खटमल को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, खटमल को क्या कहते हैं, ढेकी जाता देना या ढेकुना, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा देना, क्या आएगा, देना, ठीक है। अब देखिए, ढेकुना कहा जाना उत्तर में देना लिया गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी खटमल में, इसको ध्यान से समझिए, पीएससी ने इसका उत्तर देना लिया है, ठीक है। खटमल को ढेकुना कहा जाता है, पता है, लेकिन आपका आंसर देना लिया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है, दिशा का नाम नहीं है, उगती, कमारी, पूर्ति या भंडार, दिशा का नाम नहीं है, जल्दी से बताइएगा, कमारी जो है आपका नाम नहीं है, सीएमओ एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ी में पूर्व दिशा को उत्ती, पश्चिम को चुड़ती, उत्तर को भंडार, दक्षिण को रक्षहू कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद सीजी व्यापम क्षेत्र रक्षक में पूछा गया था 2021 में, मैं जा रहा या रही हूँ का छत्तीसगढ़ी शब्द रूप में क्या होगा, मैं जाता हूँ, मैं यहाँ जागा हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं जाते हूँ, तो एक आंसर सी हो ही, मैं यहाँ जाता हूँ, है नहीं, मैं यहाँ जाता हूँ, यही आंसर हरे ऊपर। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए सूचक शब्द का हरे, तो ये अरे, अरी, गा, गोई, तो ये एक आंसर हो ही गोई। छत्तीसगढ़ी में हमन, छत्तीसगढ़ी में स्त्री मन जब लड़का मन जात रहते तो कहते ये गोई का हो गया, कैसे गोई, ऐसे कहते नहीं, हाँ वही हरे, दे आंसर डी हरे। जब ये दे स्त्रियाँ मन अपन सहेली मन सूचक शब्द हम काय कथे, गोई कथे, है नहीं। चल अब हम बताथन, हाँ प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, वह, हाँ शब्द में कौन सा प्रत्यय नहीं है, कोलिहा, कोचराहा, खोड़रहा, डंगचगहा, तो अगर आंसर हो जाए अपन मन के, हाँ ये में के ए हरे, है नहीं। चल कोलिया में हाँ प्रत्यय नहीं है, कोलिया में नहीं है, है नहीं। हाँ, घोघिया पठारी किसे कहते हैं, ये घोघिया पठारी किसे कहते हैं, तो ये आप बताइएगा, घोंगा, गुंगा आदिवासी, श्राद्ध कर्म संपन्न करने वाला, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ चुका है श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाला ब्राह्मण, उसको घोघिया पठारी कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बड़हर का अर्थ क्या होता है, बड़हर, ये जो बड़हर है 17-18 में आया हुआ है, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बड़हर का अर्थ होता है क्या होगा, जल्दी से बताइए, बदरा, बड़ेर, बड़ोड़ा या बैठेना, या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बड़ोड़ा, क्या होगा, बड़ोड़ा, है नहीं। लुरकी किसे कहते हैं, लुरकी, आभूषण, लौकी, पतला, ढुकला, क्या आ गया, जल्दी से बताइएगा, लुरकी मतलब होता है आभूषण, आभूषण होता है, ठीक है, आंसर ए होगा। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा, पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, हम लिख रहे थे, आंसर क्या होगा, हम लिखत रही वो, हम लिखेन, हम लिखत रहे, हम लिख डारे रहेन, काया ही जी, जल्दी बताओ कमेंट में, हम लिख रहे थे, एकर है छत्तीसगढ़ी वाक्य काय हो ही, पीएससी एग्जाम 2000 में पूछा गया है, हम लिखत रही बो, हम लिखेन, हम लिखत रहेन, या हम लिख डारे रहेन, या हम लिखबो, क्या आएगा, हम लिखत रहेन, ठीक है, मजा आ रहा है ना क्लास करने में। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है, ये बुंदेली और मराठी, ये बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी भाषा में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है? जो जानवरों को बांधते हैं ना रस्सी से, उसको क्या कहा जाता है? बुरा, गिरमा, गुडरी, गिरी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जल्दी से 30 सेकंड का आपको समय देता हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। जानवरों को बांधने के लिए यानी गाय बैल को बांधते हैं ना रस्सी से, उसको क्या कहते हैं? और देखिए जल्दी से फटाफट आंसर आ रहा है, 15-16 लोगों का आंसर आ चुका है, तो ये बहुत कम परसेंट है। जितने भी एक बार वीडियो जुड़ चुके हैं सभी के सभी कमेंट करें। इसका आंसर आ जाएगा बी, गिरमा। क्या आएगा? गिरमा। गिरमा कहते हैं जानवरों को बांधने का जो रस्सी होता है उसको गिरमा कहा जाता है। इसका बताइएगा क्या आएगा? छत्तीसगढ़ी भाषा में भंडई किसे कहते हैं? भंडई, भंडई का मतलब होता है जूता, जूता जिसे हम पहनते हैं, है ना, सूट वूट पहनते हैं जाते हैं ना, जूता बोलते हैं उसको, चप्पल नहीं है ना, पुरुषों का चप्पल बिल्कुल नहीं है, गलत है। पुरिया भी कहाँ से आएगा? भंडई पूछा गया, भंडई मतलब होता है जूता, ठीक है, क्या आएगा? जूता। चलिए अब छत्तीसगढ़ी भाषा में पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी के में, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा में पति द्वारा त्यागी गई नारी को क्या कहा जाता है? परित्यका कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा में पति द्वारा त्यागी गई नारी आपका परित्यका कहलाती है। क्या कहलाती है? परित्यका। आप देखेंगे इसके बाद है कि इस राज्य के कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है, यह आपका हो जाएगा गिरिवरदास वैष्णव जी, ठीक है। फूल फूले रिंगी चिंगी, फूल फूले रिंगी चिंगी, फर परे लमडोरा, यह आपका पीएससी एग्जाम में पूछा गया है। फूले फूले रिंगी चिंगी, फर फरे लमडेरा, उपरोक्त पहली अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, मुनगा, यह आपका पीएससी एग्जाम में आंसर लिया है, मुनगा, ठीक है। फूल फूले रिंगी चिंगी, फर फरे लमडेरा, इसका अर्थ होता है मुनगा, ठीक है। आप देखिए इसका अर्थ बताइएगा, निम्नलिखित मोहरे का अर्थ बताइएगा, नाक लेसवाना। नाक लेसवाना का मतलब होता है अपमान होना, क्या होगा? अपमान होना, ठीक है। चलिए, सूरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी के लेखक है सीताराम मिश्रा। हिंदी नियुक्ति के शब्द के लिए होता है भर्ती। गोट बात के लिए हिंदी में अनुदी शब्द है विचार विमर्श। छत्तीसगढ़ी भाषा की वाक्य संरचना में किस व्याकरण कोटि का प्रभाव नहीं होता? तो पुरुष को कोटि का प्रभाव नहीं होता, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा का परिवार है? ये आपका भारोपी भाषा का परिवार है, आपका व्यापम में आया हुआ था 2017 में। छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की है? तो ये भारोपी भाषा परिवार की है। कौन सी है? भारोपी भाषा की है। कहाँ दिलागे मोर धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक हैं। क्या आएगा जल्दी बताइएगा, इसको पढ़े ना मजा आएगा। कहाँ दिलागे मोर धान के कटोरा, इसका होगा के आर भूषण। चलिए बताइएगा, चंदनी गोंदा छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा नामक ग्रंथ है, इसके संपादक कौन है? दुर्गा प्रसाद, डॉक्टर डीपी देशमुख, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, या फिर डॉक्टर सुरेश देशमुख। तो इसका आंसर आ जाएगा सुरेश देशमुख। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्गीकास नामक पुस्तक के लेखक नरेंद्र देव वर्मा जी हैं, है ना। अब छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट जीके हिंदी के लेखक इनका होगा आपका छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट आप हिंदी के लेखक सहायक संपरियोजना में क्षेत्रपाल में पूछा गया था जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। क्या आएगा? जॉन अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजभाषा के दर्जा कब मिली? 2007 में, 28 नवंबर 2007 में छत्तीसगढ़ ही ला राजभाषा का दर्जा मिली सेगा। छत्तीसगढ़ की पहली व्याकरण कौन हर लिखी से? हीरालाल काव्योपाध्याय। छत्तीसगढ़ कौन लिपि में लिखे जाए है? तो छत्तीसगढ़ में देवनागरी लिपि में लिखे जाते। छत्तीसगढ़ी भाषा के जन्म कौन रूप में हो है? छत्तीसगढ़ी जो भाषा है
अर्ध मागधी भाषा में होए है। तहसीलदार शब्द का भाषा कौन सा भाषा ले आए, जो तहसीलदार है आपका अंग्रेजी भाषा में आए हैं, ठीक है। अब मिस्त्री यानी कि मिस्त्री का कौन सा भाषा ले आए हैं, तो ये आ जाइए अपन आप कमेंट करके बताऊँ जी, है ना। अब छत्तीसगढ़ दान लीला के लेखक कौन हरे, तो छत्तीसगढ़ में जो दान लीला है आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हरे, ठीक है। संझौती के बेटा कौन कवि रचनाएं आए हैं, संझौती के बेटा तो एमे को कौन होनी हो, कोदूराम दलित, द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र, लखनलाल गुप्ता, कौन होनी हो ना जी। संझौती की बेटा के कवि के रचनाकार कौन आए हैं, आप मन कमेंट करके बताऊ जी कि कौन हरे समझौता के बेटा के रचनाकार। गरेरा तूफान कैसना संज्ञा के आए हैं, तूफान है मतलब बोला छत्तीसगढ़ी में गरेरा कथन है नी, गरेरा द्रव्यवाचक समूहवाचक जातिवाचक आया ही जी, जल्दी बताओ कमेंट करके बताओ ना। चलो हाँ तुमन बताओ भाई, चलो छत्तीसगढ़ी भाषा में कतेक स्वर हवा, छत्तीसगढ़ी भाषा में 8 ठन स्वर हावे जी, के ठन 8 ठन कौन कौन सा हरे वहू ला कमेंट करके बताऊ तुमन हाँ, ठीक है। चलो अब मुड़ी गरियाना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ होते लज्जित होना, मुड़ील गरिया देते नहीं, शर्म के मारे मुड़ील गरिया देते बोला लज्जित होल कथे, ठीक है, लजा जाते। उब जाना के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याची शब्द है, उब जाना यानी कि बरवट, सरवट, अस्कट, खलबट, उब जाना, उब अस्कट आ जाते नहीं, अस्कट लागते। जेकर हाथ में लौठी भैया ओकर हाथ में भैंसा है नहीं, कौन सा ही, जेकर हाथ में लौठी रे भैया ओकर हाथ में भैंसा है भैया, ठीक है। बहाना यानी कि टाला टोर के लिए कि सर्दी में काय कथे वाला बहाना काय कथन हमन है, ओखी करथन, ओखी, ओधा, ओझी, काय कथन हमन है, ओखी करथन ही बहाना ला ओखी कथन नहीं, आंसर है यही। गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में का कथन, गेहूं के आटे से बनाथन ना मन है, गेहूँ आटा मीठा मीठा पकवान बनाथन काय कथन, पपई, परई, पपची या क्या कहते हैं उसको, जल्दी से बताइएगा, पपड़ी क्या कहते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, क्या आएगा इसका आंसर सी, पपची कहते हैं। देख ये देख, गेहूं के आटे से मीठे पकवान को पपची कहते हैं। खोरवा का मतलब होता है, ये भी आया हो, खोरवा लंगड़ा जी, लंगड़ा होता है, ठीक है। छतेड़ी शब्द में झूल फूलहा का अर्थ क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इसको एक बार देख लीजिए, झूल फूलहा, सूर्यास्त का समय, सूर्योदय का आँख से कम दिखना या फिर धुंधल धुंधला का, इसका आंसर सूर्यास्त का समय होगा। भांटों का मतलब क्या होता है, भांटों जीजा बहनोई। हल का छत्तीसगढ़ी पर्याची शब्द काय हरे, हल के, हल नांगर जोते जाता नहीं, नांगर उलग अथे है ना। चल लज्जित होना के लिए मोहरा है, लज्जित होना दांत ला निपोड़ना, लज्जित हो गए दांत ला तब निपोड़ दिस कथे नहीं, वही थरे है उपाय, तुम नहीं जानते रहे हो जी। अब इच्छे बताया लज्जित होना का मतलब होते शर्माना, लजाना, दांत ला निपोड़ना, यही मन तो आए सब लज्जित होना। छत्तीसगढ़ी पढ़े तो मजे मजा आते, तुम रोज छत्तीसगढ़ी क्लास अटेंड करत रहो तहन मजा आ जाए। तो चलो और आगे देखथन क्वेश्चन ला, हर षष्ठी त्यौहार काबर मनाया जाते जी, हर षष्ठी त्यौहार है ये तो पूछे है भाई क्वेश्चन में, हम नहीं कहा था कि मैं पूछा था, ये तो क्वेश्चन में पूछे है जी, हर षष्ठी त्यौहार काबर मनाथन तेला, वही ला बता हर षष्ठी काबर मनाते, अच्छा फसल के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, सुख संपत्ति के लिए काबर मनाते हर षष्ठी, बताबे कमेंट करके बताना। पुत्र दीर्घायु के लिए नहीं बता सको जी, तू मना नहीं जानो कैसे कैसे कर दो। महू जाहूँ का मतलब है, महू जाहूँ ये दे, महू जाहूँ का हाथ है बताए कर, मैं ही जाऊँगा या जाऊँगी या मैं भी जाऊँगा या मैं तो जाऊँगा, मैं ही क्यों जाऊँगा ये जाऊँगी क्या है, महू है जाऊँ का मतलब बताओ ना जी, क्या ही कमेंट करके बताओ, तुमन तो बने जान थो का फटर फटर आंसर देवत रही थो, लेने कला बताओ हाँ, अभी कैसे बताया बनी सको।
अब बता ये थे दांत नहीं पोड़ता रहे हो। मैं भी जाऊंगा जाऊंगी यही आंसर भी है। चले कल बतावा तो बहुत आंसर दे हो। पट तर का मतलब होता है पट तर उपमा पटसन पटकनी का है नहीं जानो तुम धर के पटाकू। पटतर का मतलब होते ये है होते जाने उपमा ये दे। रंधनी खोली किसे कहते हैं रंधनी खोली नहीं जानता हूँ मन तो को जाना किचन में घुसे नहीं किचन में रसोई घर में रे वही लटका थे रंधनी खोली तहू मन नहीं जानो या ऐसी की क्वेश्चन कथे नहीं ता यही था रे रंधनी खोली जे हमन खाना बना था खाना बना था ठीक है बोला रंधनी खोली कथे। अब अंग्रेजी में आजकल काय कहीं नया नया बहुरिया मन किचन काय कथे किचन ता भांडी का अर्थ क्या होता है भांडी का अर्थ मतलब भांडा भांडा किराया दीवार या गाली। भांडी का मतलब होता है सी दीवार भारी भारी कथन नहीं आजकल हम छत्तीसगढ़ी में भारी कहते थे इसे फट ले भारी ये दे भारी कूद के गी से रो दे रहा ना ऐसे की के है नहीं। भोरहा का अर्थ क्या है भोरहा ये दे भोरहल कूद दर इस एग्जाम में या वो भोरहा करवा दे थे लड़का मन भोरहा हो जाते लसुन के काला कहा थे कथे भोरहा भोरहाल काय कथे भ्रम हो गए कथन हम भ्रम वही ताए। अंगीठी का मतलब क्या होता है अंगीठी का मतलब नहीं जानो रे तू मन अंगीठी का मतलब ला बी है थरे नहीं जाना तो तहु मन उंगली रे अंगूठी का मतलब उंगली। दूजहा का अर्थ क्या है दूजहा ये दूजहा हो गए रे इसे कथे नहीं कमेंट करो ना जल्दी क्या दूजहा के मतलब का होते बताओ तुम मन ये रे कहानी जाने का दे तो तुमन दूजहा के मतलब ये दे रही दुई जी दो जगहों पर रहने वाले पहली पत्नी के दिवगत होने जाए पर दूसरी के लिए मर्द वही लटका थे रे दूजहा रे सी आंसर आई। निंदाल काय का थे निंदा चलो तुमन बतावा जाओ है एवं सपोज है ना है गोंदली काला का थे रे गोंदली ला गोंदली का काला कथे रे प्याज लेनी का है रे तो हम नहीं जानो। दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द हम बता दो दतला खेवड़ा टिपका दांत निपोर काया ही बता दो ले तो दांत निपोर दतला खेवड़ा नहीं तो ऐसे कथे नहीं हाँ ये दांत ला निपोर दी बताया बता नहीं सको। सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है जो सदरी बोली है आपका सुकमा जसपुर कवर्धा या महासमुंद अवैयी इनमें से कोई नहीं तो नहीं जानो रे तुम सदरी जसपुर जिले में बोले जाते तेला फटाक ला आंसर नहीं दे सको जसपुर आ ही सदरी के है ये दे तुम मैं व्याख्या कर दे ना भाई ये दे सदरी बोली के जसपुर जिले में बोले जाते रे भाई ये दे ई चलाऊ पूछे रही सब इच्छे ये दे आ घूम दी गे जानवरों को बांधने की रस्सी ये दे बार बार एग्जाम में आते मन हाँ एकरे सेती में वीडियो बनाए हो एकरे सेती वीडियो बनाए हो कि तुमन अच्छा से बने नंबर लाहू हो बने एग्जाम होते नहीं ते में बने पास हो की के तुमन तो वीडियो देखो ना कहीं नहीं वीडियो रोज देखे करो तभी तो अच्छा अच्छा जानकारी मिल ही गिरमा ही है दे ये दे ये दा उचल पूछे रे भंडई जूतल नहीं जाना तुमन रे भंडई ला बार बार एग्जाम में पूछा थे वहू ला रिपीट हुआ थे ये दे पति द्वारा त्यागी नारी काय कथे ये दे छंडवा कथी विमुक्ता कथे परितिका कथे काय कथे लेन बताओ तुम मन हाँ ये दे छंडवा नहीं कही रे पति द्वारा तागी गए नारी काय कथे नहीं जानो छंडवा कथे पति द्वारा ताग दे रहे थे वो नारी हमन छंडवे कथन अर कट्ठा का अर्थ काय रे इदई अर कट्ठा का अर्थ बताओ न यहाँ सड़क गली छोटा रास्ता काया ही तुमन बताओ जल्दी ये छोटा रास्ता नहीं हो ही तहू मन और कट्ठा कई दर्थ हो ये ला बताइए दे फिर पूछ दर इस हल के नांगा ला नहीं जानो तुमन हाँ लमचोची का लगा थे चला बताओ अगर तुमन है ये दे लमचोची का लगा थे
लालची लंबी चोंच वाली चिड़िया, चुप कराने की क्रिया चना खाने वाली चिड़िया। लमचोची नहीं जाना हो रे तुमन, जल्दी से कमेंट कर तो काया ही। इसने लत पीएससी में पूछे रे, ये दे इसने इसने क्वेश्चन ला पीएससी में पूछे, तुमन जान बेच नहीं करो। ओकरे से दिक्कत हो वीडियो ला तुमन आखिरी तक देखे करो, वीडियो तुमन आखिरी तक देखू तो बने बने तुम्हारा समझ में आई और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे तहल में बताऊँ। ओकरे से सौ क्वेश्चन करावत हूँ तुमन ला, ते काय हरे लमचोची काला का थे ये दे दांत ला निपोड़ दिस। लमचोची के मतलब होते ये दे तंताहू मन हरिशा जत हो, ये दे लंबी चोंच वाली सीरियल कथे लमचोची। लुरकी किसे कहते, ये दे फिर उचल पूछ दिस, लुरकी नहीं जानो आभूषण ला कथे तेला। लरिया बोली किस जिले में बोली जाती, ये दे फिर वो लरिया फिर आ गए दे, इला नहीं जानो तू मन कहाँ पूछे तेला। छत्तीसगढ़ी भाषा में इसमें किसके अंतर्गत पड़ती है, तो ये दे अभी नहीं जानो रे तुमन है, ये दे पूर्वी भाषा हिंदी में होते तेला। ये फिर लज्जित होना आ गया के घर पूछ दादी, मुड़ी ठठा दू मैं दादी, एकर का है लज्जित होना का मतलब मुड़ी गड़ियाना नहीं है, शर्माना शर्म से झोंकना मुड़ी गड़िया देते कथे, धर के न पीट दू ऐसे कथे ई मनता है। छत्तीसगढ़ी जलौना कारी गाय कलिंदर खाए तो दूहते जाए, पन्हाते जाए ककार था, ये दे एकदम मस्त है रे इला बताओ जल्दी। ये दे छत्तीसगढ़ी जलम कारी गाय कलिंदर खाए दूते जाए पन्हाते जाए का अर्थ होता है ये दे नहीं जानो तुमन है, एहल कुआं कथे रे, ये दे एक कुआं रहते हमें दस गाँव पानी हटते जाते, फिर बाल्टी डालते फिर रहते फिर बाल्टी डालते पानी निकाला जाते वही लत कथे। अरे इला बतावा तो चलो तो करिया अक्षर भैंस बराबर, ये दे नहीं जानो अनपढ़ रे अनपढ़ कथे करिया अक्षर भैंस बराबर। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है मीठा, ये नहीं जानो रे पपची मन कैसे लागते थे को खट्टा लागी तू मन रे है हम खट्टा लागते को मीठा लागते थे जानता ना मन। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है प्रथम उपन्यास हीरू की कहनी, इसके है आपका बंसीधर पांडे, हीरू की जो कहनी होता है आपका बंसीधर पांडे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म होने वाला, छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक हो जाएगा आपका दुलार सिंह मंदरादी जी, ठीक है। और ये लास्ट का क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, टोटल हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है, तो आप सभी को मालूम है कौन सा जो छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है, सुवा नृत्य, पंथी नृत्य, चंदे नृत्य, राउत नृत्य, राई नृत्य, क्या आएगा जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है कौन सा नृत्य जो लोक नृत्य नहीं है छत्तीसगढ़ का, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, चलिए कल क्लास देखेंगे, आज के लिए इतना ही, टोटल 100 MCQ कर लिए हैं CGPSC प्री एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आपको कैसा लगता है वीडियो, ठीक है।